अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं, YouTube पर अपना खुद का कंटेंट बनाकर पोस्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में आप अपने फ़ोन से ही शूट करते होंगे, ना कि कैमरे से। स्टार्टिंग में सभी लोग अपने फ़ोन से ही अपने वीडियो को शूट करते हैं, उसको एडिट करते हैं और वो पोस्ट करते हैं। बाद में जाकर सभी लोग कैमरा ले लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। जितने भी क्रिएटर हैं जो फ़ोन से अपने वीडियो को शूट करते हैं, वो डायरेक्ट जो फ़ोन का कैमरा होता है उससे अपने वीडियो को शूट नहीं करते हैं। उसके लिए एक अलग से ऐप होता है ओपन कैमरा, उसको अपने प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें ही अपने वीडियो को शूट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट फ़ोन के कैमरे से वीडियो को शूट करेंगे तो उसमें आपको फोकसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें फोकसिंग अप डाउन होते रहती है, तो वीडियो की क्वालिटी है वो बेटर नहीं आ पाती है। बट आप अपने वीडियो को ओपन कैमरा से शूट करेंगे तो उसमें आप अपने फोकस को लॉक कर सकते हैं एक जगह। उसके बाद जो वीडियो की क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी आती है, वॉइस की भी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। लेकिन उसके लिए आपको ओपन कैमरा की सेटिंग को समझना होगा, उसको अच्छे से सेटिंग करना होगा, तभी जाकर अच्छी क्वालिटी का वीडियो और अच्छी क्वालिटी का वॉइस आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ओपन कैमरा का फुल सेटिंग बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बन रहेगा। मैं अभय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं ओपन कैमरा का फुल सेटिंग। पहले तो आपको अपना ओपन कैमरा ओपन कर लेना है, जो कि आपको डाउनलोड करके रखे होंगे प्ले स्टोर से, तो उसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख जाएगा स्टार्टिंग में, तो आपको इसको अलाउ कर देना है। अलाउ कर देने के बाद इसको भी अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको इसको ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको इसको क्लिक कर देना है। इतना करेंगे तो उसके बाद आपको सबसे ऊपर में दिखेगा फेस डिटेक्शन, तो आपको इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप जब भी वीडियो शूट करेंगे अपना, तो इसको ऑन कर देंगे तो ये आपके फेस पे ही फोकस बनाए रहेगा। उसके बाद इधर उधर भी आप डूलेंगे तो ये फोकस आपके फेस पे ही बना रहेगा, उसका फोकस कुछ नहीं गड़बड़ाएगा, आपके फेस पे ही बनाए रहेगा। उसके बाद सेकेंड है टाइमर, जितना चाहे 2 मिनट, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जितना भी टाइम सेट करके रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। उसके बाद है रिपीट, तो आप इस सबको ऐसे ही रहने देना है, इस सब में आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे की तरफ आएंगे तो और भी जितने हैं ये सब आपको सबको कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे की तरफ आ जाना है। तो मेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीडियो सेटिंग, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वीडियो सेटिंग, तो आपको मेन इसी में आपको काम करना है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर है वीडियो रिसोल्यूशन, तो इसको ओपन कर देंगे। आप इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे फुल HD, जो कि जो आपके सबसे बेटर रहेगा, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका फ़ोन अगर जो सबसे ऊपर वाला है इसको अगर सपोर्ट करता है, तो आप इसको में कर देंगे 30:17 में आप इसको में कर सकते हैं, या तो फिर फुल HD है इसको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है वीडियो फॉर्मेट, तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसको सेकंड या थर्ड में भी करके रख सकते हैं। ज़्यादातर जो यूट्यूबर होते हैं जो वीडियो बनाते हैं इस पर, ज़्यादातर इसको सेकेंड में ही करके रखते हैं, तो इसको हम सेकेंड में कर देते हैं इसको सेकेंड में। उसके बाद थर्ड है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वीडियो, तो इसको क्लिक करेंगे। इसको आप अनलिमिटेड में करके रहने दीजिएगा, इसको में कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। उसके बाद जो ये सब हैं इस सबको आप कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे की तरफ आ जाना है डायरेक्टली। यहाँ आएगा रिकॉर्ड ऑडियो, तो आपको इसको ऑन कर देना है, रिकॉर्ड ऑडियो को इसको ऑन कर देना है। इसके बाद आपको जो मेन है यहाँ पे ऑडियो सोर्स, इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करके अगर आप किसी आउटी माइक का यूज करते होंगे, बोया का माइक हो गया या कोई भी आप माइक यूज करते होंगे, तो आप इसको एक्सटर्नल माइक पे कर दीजिएगा। आप जो भी बाहर से माइक लगाएंगे वो इसको सपोर्ट कर लेगा। अगर इसको आप नहीं इसमें कीजिएगा तो आप इसको लगाने के बाद भी इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, तो आप इसको दूसरे पे सेकेंड पे करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है ऑडियो चैनल, तो आपको इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करके आप सेकेंड या थर्ड दोनों पे भी कर सकते हैं, ज़्यादातर तो मोनो में करके रखते हैं तो इसको मोनो में कर देते हैं, आप इसको मोनो में कर लीजिएगा। उसके बाद है लॉक स्क्रीन व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो, तो आप इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। इसके नीचे है फिर वीडियो सबटाइटल्स, तो आप इसको नो सबटाइटल्स में भी करके रख दीजिएगा। इसके बाद है वीडियो बिट रेट, तो आपको इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करके आप जितना ज़्यादा रख सकते हैं उतना आप रख लीजिएगा। यहाँ से अगर आप लैपटॉप से एडिट करते हैं अपने वीडियो को, तो उसको 200 में कर दीजिएगा, या तो फ़ोन में करते हैं अपना, तो 100 से 150 तक आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद नीचे है वीडियो फ्रेम रेट, तो आप इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अगर आप लैपटॉप से एडिट करते हैं तो आप इसको 120, 100, मतलब जितना भी रख सकते हैं। अगर फ़ोन से करते हैं तो आप इसको 60 में कर दीजिएगा। और ये सब जो है इसको आप ऐसे ही रन दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा,
अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम देखना चाहते हैं अपना बैटरी कितना आपका बैटरी परसेंट है, तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा तो आपको स्क्रीन पे शो होगा कि आपका फ़ोन में कितना बैटरी है। तो इसी तरीके से आपको सारा सेटिंग ऑन करके रखना है जैसा मैंने बताया है, तो आपका जो ओपन कैमरा है अच्छी तरीके से काम करेगा। आप भी अपने ओपन कैमरा का फुल सेटिंग ऐसा ही कर लीजिएगा जैसा हमने बताया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हमेशा लेकर आता हूँ आपके लिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।